होप सब अच्छे होंगे। मैं सोनिया शर्मा आप सभी का वेलकम करती हूँ एक और न्यू ब्लॉग में। और ये ब्लॉग की स्टार्टिंग आज थोड़ा सा लेट कर रही हूँ, अभी मैं नहा के आई हूँ, सुबह बच्चे चले गए, फिर उसके बाद साफ सफाई करी। साफ सफाई करने के बाद मैंने सोचा चलो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दो, नहीं तो फिर शाम को ही कर पाती है ना। तो आज मैंने करी है, टाइम हो रहा होगा जी 12 बजे होंगे, 12 बजे तो मतलब ज्यादा ही टाइम हो रहा होगा। तो भाई साफ सफाई हो गई है, नहा ली हूँ, अब बाकी के जो है वो काम देखते हैं। ब्लॉग में आगे बढ़ने तक पहले लाइक कर दियो जी, शेयर कर दियो, और चैनल पर नए हैं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, रिक्वेस्ट है जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब आप एक करते हो ना बड़ा अच्छा लगता है, एक एक सब्सक्राइब जब बढ़ता है तो बड़ा दिल खुश होता है। मेरी तो रखे रखे ना चीज सूख जाती है, लग ही नहीं रही। ये तो लग ही नहीं रही है, दूसरी लगाएगी भाई, नहीं लग रही तो क्या कर सकते हैं। और ये मैं हो गई हूँ रेडी, अब मैं किचन में जाऊंगी, उससे पहले बेडशीट करूंगी सही, क्योंकि अभी भूख लग रही है नहाने के बाद ना, भूख लगती है। और ये प्रेस करी थी सुबह बच्चों की ड्रेस का, तो जबकि प्रेस यहीं पर लगी हुई है। एक बार बेडशीट यहाँ से सफाई कर देती हूँ, फिर खाना खाऊंगी, बनाया नहीं हमने अपने लिए। नहाने के बाद ना भूख लगती है, उससे पहले नहीं लगती, कितना भी टाइम हो जाए। मेरे साथ तो यही है, बस सुबह चाय पी लेती हूँ, उसी के साथ भाई कुछ रस वगैरह बिस्किट ये ले लेती हूँ, उसी में टाइम बट जाता है 2 बजे तक मेरा। बड़ा काम हो गया, लेकिन राजीव जी लेट जाते हैं ना, तो फिर जोन से बेड पर वे सोते हैं ना, लेटे रहते हैं, वो बेड मेरा रह जाता है। और जब पूरे घर की सफाई हो जाती है ना, और जो एक बेड रह जाता है ये वाला या दूसरे रूम वाला, तो फिर उसकी सफाई करती हूँ तो दोबारा से डस्ट जड़ती है, बेड शीट से झाड़ती हूँ, और तो फिर उस वाले कमरे में ना नीचे किसकिसाहट हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे झाड़ू पोछा हुआ ही नहीं, नंगे पैर चलती हो ना तो पैरों में ना ऐसा लगता है हल्की हल्की जैसे सफाई नहीं हुई। तो ये वाला बेड तो रूम ज्यादातर मेरा ऐसा ही रहता है, कितनी भी सफाई कर लूं फिर भी इसकी बढ़िया तरीके से हो नहीं पाती जी, ये बात है। और ये सामान इतना मेरा ही रखा रहेगा, मैं भी बड़ी लापरवाह हो रही हूँ, जो सामान जान लेती हूँ ना वही रख देती हूँ, ये मेरी दवाई है तो इसको लूंगी पहले मैं। चला किचन में खाना खा ले, घड़ी भी पहनी हूँ, मैं बना रही हूँ अपने लिए पराठे, आ जाओ जी जिसने खाने हैं। और सब्जी बनाई थी मैंने, आलू गाजर मिक्स वेज बहुत बना है सब्जियां, सारी सब्जियां जो है ना फिर उन्हें मिक्स करके बना लिया, तो फिर सब्जी बनाई थी सुबह वाली जो बच्चों को दी थी लंच में। सुबह के टाइम तो ज़्यादातर सूखी सब्जी बनाई है, आप देखते भी होंगे ना लोग में, और शाम के टाइम फिर मैं बनाती हूँ। अभी मैं खाना खा लूंगी गाइस, फिर पूनम आ जाएगी, फिर हम एक छोटा सा नाटक बनाएंगे जो कल बनाया था ना, बुढ़िया का चश्मा तोड़ देता है, बेटा घर से निकाल देता है, तो उसी का अगला पार्ट बनाएंगे, रह गया था कल टाइम कम था, तो उसका एक दूसरा पार्ट भी बनाएंगे और फिर और देखेंगे थोड़ा सा। और आई गई लग है पूनम, आ जा आ जा। और भाई दीदी सब बढ़िया बढ़िया, क्या कर रही है? राखे खा लिया जा, अरे खा ले, देसी घी में लगा रही लगे, और
जल्दी मटका निकाल रखा ये है मटका ये मैं तो गड़बड़ करूंगी एक और जेगड़ बना दूंगी ऐसे कर एक यहां मटका एक और मटका तो कोई ये समझेंगे ये सारे लोग वाले की प्रेग्नेंट है हां जी भी पर है सुन प्रेग्नेंट सब बताऊं एक ब्लॉगर है तो ऐसे ही थोड़ा बहुत किसी का भी पेट लगता है कमेंट कर दे हां आप जी बालक रहे हां तो वो उसके साथ ऐसे होया ऐसा करा उसकी गल कमेंट कर दिए अच्छा बहुत अच्छी है बहुत ही प्यारी ब्लॉगर है मैं सुरजन का फॉलो करूं तो उसके पास कमेंट कर दिए कि बुढ़ी होगी इस एज में बालक पैदा कर रही और दूसरा कमेंट है कि लेडीज ने अच्छा, लेडीज अच्छा। के काम की लेडीज लेडीज की दुश्मन बहुत पता ना लेडीज जेंट्स लेडीज ही लग गया क्योंकि वो करे करे ऐसे और कस्टम है ना दूसरा कमेंट उसने कर रखा एक तो यो कर दिया कि भाई इस उम्र में जाकर ना बच्चा पैदा कर रही है दूसरा यो कर दिया कि मतलब एक गवार माँ है ठीक है अपने बच्चे को तो पढ़ाती लिखाती नहीं वीडियो बनवाती रहती है उसने फिर ये बताया कि मेरे को 2 साल हो गए और 2 साल में खूब अच्छे उसके व्यू आते हैं लाखों में कह रही मैं कभी किसी के लिए गलत नहीं बोली लेकिन अब मेरे को गुस्सा आ रहा जब मेरे बच्चा पेट में उसके लिए इतना बद्दुआ दी जाती है गंदा बोला जाता है तो जब उसने बेचारी ने रोका कही जब हम ब्लॉगिंग नहीं करते थे जब भी हमारा घर चलता था लेकिन हमें शौक है ब्लॉगिंग करने का हमारा अपना नाम बना है ना फेमस हो जाता है हां उसने कही कि गुड़गांव के ना टॉप स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता है अपने बच्चे को लिए यो एड्रेस दूंगी अपने घर का और मेरे बच्चे को ओड़ा तेरे बच्चे से 10 गुना आगे ना हो ना तो नाम बदल देगा और रही बात ये कि किस एज में कर रही हूं मेरा बच्चा मैं किसी एज में करूं तेरे से पूछ के करूंगी इतना मतलब अच्छा जवाब दे रहा है जिसकी जो मशीन चालू हो तो करेगी भाई सही बात है मशीन चालू होनी चाहिए हम करने तो क्या दिक्कत है ये सब के बड़े पर्सनल लाइफ होती है जितना हम शेयर करते हैं हम अच्छा लगता है उतना आपको दिखाते हैं लेकिन किसी के पर्सनल लाइफ कमेंट करना गुनाह है मत एक होंगे कसम का खाना खा लो गाइस फिर हम करेंगे ब्लॉग शूट और फिर आपको मिलेंगे 4 बजे के करीब ठीक है जी गाइज ये पूनम जा रही अपने घर ये ना आज वीडियो बना दी बढ़िया हाँ जी ने भगे सड़के सड़क बनाई है लेट लेट के इनको उठी भी ना मैं मोटी उठाई ना चाय पियो चल ना चाय ना पी तो जी अभी भाई हम तो अपना काम करेंगे शाम का इसके भी बच्चे वेट कर रहे हैं लेट हो जाते हैं ना 2 बनाए आज इस वजह से लेट हो गए कोई ना देखना जरूर कैसे बनाए देखते तो होंगे हाँ पड़ोसी देख रहे हैं हमें बाहर खड़े ये कर क्या रही है ये पड़ोसी आ गया ऐसी तैसी देखने दे जल रही होगी उनकी रोटी कुछ और गाली देने वाली अब अदर नहीं अब अदर रोटी चल रही रोटी रोटी ठीक है जी अब मिलते हैं अभी एक बार इसको मटाटा बाय बाय कर दो अभी गाइस मैं बना रही हूँ चाय तो भाई पूनम चली गई थी मैंने सोचा चल अपना लग जाते हैं जो काम है कर लेते हैं वीर भी आया है ट्यूशन से 1 मिनट का भी आ रही हूँ आज ना चाय मैंने लेट बनाई थोड़ी सी वीर को मारा जी मैंने कि ये कल जब ये आता नहीं इतना ठंडी हो जाती है गरम गरम पी लेगा दरवाजे खोल लगते हो जी एक बार क्या है उस कागज में बताओ बताओ पहले आप क्या है मेरे फ्रेंड की बॉडी किस लिए उसके साथ खेलने मुझे जल्दी बताओ कहाँ गई मुझे नहीं पता बता दो और ये गाइस ये देखिए इसके कपड़े ठीक है ये तकिया उठाइयो देखियो इसके नीचे कोट पड़ा है ना आपका दिखाइयो एक बार दिखाइयो उठा लो इन्हें स्कूल की ड्रेस है दो मिनट बस ये गाइस देखियो यहाँ पर लट्टू ठीक है जी ये इसने तकिया का कवर पाड़ दिया
ये यहाँ पे इसके टॉप पे पड़े हैं, सॉक्स पड़ी हैं, वहाँ पे ये पड़ता है तो। और यहाँ इसने फैन रख दिए हैं चाय के साथ खाने के लिए, है ना जी। बताओ मम्मी कहाँ है? मुझे नहीं पता, अभी मैं ले कर रही हूँ चाय। चाय पियेंगे पहले, ठीक है। आप इस फोन को रख दो इसमें, कटोरी कटोरी में क्या कपड़ी मिलेगा जाएगी लड़ाई रस्ता, क्योंकि वीर ने पूरा पैकेट ले लिया है। और वीर अब बातें ना ज्यादा चाहिए, ये देखो दोनों की होगी ना लड़ाई, एक बार में इनको समझौता करवा दी लेवल कर दे। अब ये तो भाई की लड़ाई बहुत है। वीर टेबल ना मत तोड़े, वीर को तो पूरी सुविधा चाहिए, टेबल वहां से वहां सरका लिए। पीछे वाली गैलरी की ना ट्यूब लाइट खराब हो गई, तो नई मंगवाई गई, ये लगवाएंगे आज। टूटी भी कतार भी तोड़ दिया ना वीर से, तो वीर से तो कई मेरे को शिकायत ही रहती है। टीवी का तार तोड़ दिया इसने, ये वाला देखिए ये चलता नहीं है। अब एक स्विच में ये एक है, एक टूट गया, मतलब जितने भी गलत काम है ना घर में तोड़ने फोड़ने के, वे सारे वीर ने करने, नुकसान जो भी है वीर करता है। और अभी छुट्टी पड़ी सर्दियों की, तो बहुत ज्यादा नुकसान करे, स्कूल चला जाता है, जब भी थोड़ी सी बचत रह जाती है क्योंकि 2 बजे तक जाता है छुट्टियों में, तो बहुत ज्यादा करेगा।